नमस्कार दर्शकों, YouTube के मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं आज आपके सम्मुख उपस्थित हुई हूँ कर्क राशि का जुलाई 2019 का राशिफल लेकर। इस वीडियो में विचार करेंगे कि जुलाई 2019 में कर्क राशि के जातकों के लिए गोचर कैसा है। सर्वप्रथम मैं आपको स्पष्ट कर दूँ, ये केवल एक साधारण गोचर फल है जो आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। आपकी जन्म कुंडली के अनुसार इस गोचर का क्या फल होगा, इसको जानने के लिए आपकी कुंडली का अध्ययन किया जाना जरूरी है, जिसमें चल रही दशा या अंतरदिशा के अनुसार ही आपको फल मिलेगा। अगर आप ज्योतिष से संबंधित मुझसे कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम है विवाह के संबंध में, नौकरी के संबंध में, व्यापार के संबंध में, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस दे सकते हैं। मैं आपके प्रश्न का जवाब दूंगी और कमेंट बॉक्स में जवाब दूंगी। हो सके तो एक बार में एक ही प्रश्न पूछिए, जिससे मैं ज़्यादा से ज़्यादा दर्शकों के प्रश्नों का जवाब दे सकूँ। आइए दर्शकों, हम स्टार्ट करते हैं कर्क राशि का जुलाई 2019 का राशिफल, जो आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। आपके सम्मुख है कर्क राशि की कुंडली है। चार नंबर की राशि को कर्क राशि कहते हैं। अगर आपकी कुंडली में चार नंबर की राशि में चंद्रमा बैठा है तो आपकी कर्क राशि बनती है। कर्क राशि का अगर हम ग्रह गोचर देखें तो कर्क राशि में वृश्चिक राशि में इस समय जो है गुरु चल रहे हैं, जो वक्री हैं और उनकी लग्न पर दृष्टि है। धनु राशि में शनि चल रहे हैं, वो भी वक्री हैं और उनकी केतु के संग युति है। मिथुन राशि में सूर्य, शुक्र व राहु की युति है। उसके बाद सूर्य जो है कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे और वहाँ उनकी बुध व मंगल के संग युति हो जाएगी। कर्क राशि वालों के लिए गोचर इस तरीके का आया है कि सबसे बड़ी पॉजिटिव बात यह है कि उनके भाग्येश गुरु की दृष्टि, भाग्येश गुरु की दृष्टि उनके खुद लगन पर है, यानी भाग्य बाप पर है और जहाँ उनका दशमेश मंगल बैठा हुआ है, जो इस बात का संकेत है कि चाहे आप जॉब करते हों चाहे व्यापार करते हों, कर्क राशि के जातकों का मन काम में बहुत लगेगा, मन लगाकर काम करेंगे। चाहे वो आप स्टूडेंट हो, चाहे गृहिणी हो, चाहे आप कोई व्यवसाय करते हों, कर्क राशि वालों के लिए जुलाई का महीना ऐसा है कि आपका काम करने में बहुत मन लगेगा। आप कोई भी काम करें उसमें रुचि से काम करेंगे और काम करने की आपकी इच्छा शक्ति भी बढ़ेगी। साथ ही दूसरी पॉजिटिव बात, धन की बड़ी उत्तम स्थिति निकल कर आई है। आपका धनेश सूर्य पहले तो लाभेश शुक्र के संग युति बनाएगा और फिर बाद में आपके दशमेश मंगल के संग युति बनाएगा, जो इस बात का संकेत है कि आप अगर कहीं से आपका कोई पैसा रुका हुआ था और आप उसके आने के बारे में कोशिश कर रहे थे तो वो पैसा आने की संभावना आपको मिल सकती है। इसके अलावा कर्क राशि के जातक जुलाई के माह में विदेश यात्रा में भी जा सकते हैं। विदेश यात्रा किसी काम के सिलसिले में भी हो सकती है या परिवार के साथ भी जा सकते हैं। काफ़ी पॉजिटिव और मौज मस्ती का समय है उनके लिए। जहाँ तक हम विद्यार्थी वर्ग की बात करें, विद्यार्थी वर्ग के लिए पॉजिटिव समय है, उनका पढ़ाई में मन लगेगा। देव गुरु बृहस्पति पंचम भाव में विराजमान होकर लगन को दृष्टि दे रहे हैं, जो इस बात का संकेत है कि कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगी और वो मन लगाकर पढ़ाई कर पाएंगे। प्रेम संबंधों के लिए भी समय शुभ निकल कर आया है। आप अपने साथी के साथ घूमेंगे फिरेंगे और अच्छा समय स्पेंड करेंगे। काफ़ी आपके खर्चे भी होने की संभावना है। इसके अलावा कर्क राशि के जातक जो विदेश की तरफ जॉब वगैरह ढूंढने का विचार कर रहे थे, उनको घर से दूर या जन्म स्थान से दूर जो है जॉब भी मिल सकती है। आप घर से दूर जॉब तब करने जाएं जब आपके पास वर्तमान में जॉब ना हो, और अगर वर्तमान में आपके पास जॉब है तो आप घर से दूर जॉब करने ना जाएं। इसलिए मैंने आपको क्लियरली लिखा है कि आप घर से दूर आपको जॉब तो मिल सकती है, जॉब ना हो उस स्थिति में तो ज्वाइन कर लीजिए, पर लेकिन अगर आपके पास जॉब है और घर से दूर जॉब मिल रही है और आप उसको ज्वाइन कर रहे हैं, बहुत सोच समझ कर ज्वाइन करिए। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हो, आपको लगे कि उससे आपका फ्यूचर ब्राइट होगा तब करिए, नहीं तो केवल सिर्फ इसलिए कि अपॉर्चुनिटी मिल रही है आप वर्तमान जॉब को ना बदलें, क्योंकि वर्तमान जॉब को बदलने वाली कुंडली का गोचर सही नहीं है। इसके अलावा निवेश पॉइंट ऑफ व्यू से जो कर्क राशि के जातक व्यापार करते हैं, उनको मैं एडवाइस दूंगी कि जुलाई के माह में वो निवेश का विचार ना करें। छोटा मोटा निवेश कर सकते हैं पर लेकिन कोई बहुत बड़े निवेश की प्लानिंग ना करें, कोई नया प्रोजेक्ट वगैरह ना शुरू करें। नए प्रोजेक्ट का शुरू करने के लिए भी सही नहीं है। आपका दशमेश मंगल आपके लगन में आया है और नीच का हो गया है, जिसके कारण मंगल आपके अंदर क्रोध की मात्रा बढ़ाएगा, गुस्सा आपका खूब आएगा। साथ ही मंगल की आठवीं दृष्टि, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, मंगल की आठवीं दृष्टि आपके अष्टम भाव पर है, जो इस बात का संकेत है कि आपका गुस्सा तो बहुत बढ़ेगा ही, साथ ही आपके अपने साथियों से विवाद भी हो सकते हैं। वाहन को सावधानी चलाइए। मंगल की जब अष्टम भाव पर दृष्टि होती है तो अचानक ही एक्सीडेंट हो जाते हैं। खर्चों के भावों की स्थिति बहुत खराब है, यानी
शनि केतु यहाँ बैठ के स्वाद का संकेत दे रहे हैं कि बीमारी में, शत्रुता में, कोर्ट केसेस वगैरह में, जो डेटे वगैरह पड़ेंगी उसमें आपके खर्चे ज़्यादा होंगे, साथ ही आप यात्रा वगैरह करने जाएंगे तो आपके खर्चे ज़्यादा होंगे। यानी खर्चे की स्थिति बनी हुई है, जब खर्चे बीमारी के संबंध में हो सकते हैं, यात्राओं के संबंध में हो सकते हैं, कोर्ट केसेस के संबंध में हो सकते हैं, इसलिए खर्चों की मात्रा काफ़ी ज़्यादा बनी हुई है। और आपको क्योंकि शुक्र की दृष्टि आपके छठे भाव पर पड़ रही है, अपने शत्रुओं से सावधान रहना है, शत्रु आपको किसी ना किसी तरीके से परेशान करने की कोशिश करेंगे। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो कर्क राशि के जातक अगर थोड़ी सी सावधानी बरतें तो जुलाई का महीना उनके लिए अच्छा है, काम में उनका मन लगेगा और उनको काम में अपनी सफलता भी मिलेगी। अब मैं बताती हूँ कर्क राशि के जातकों के लिए जुलाई के माह में वो कौन सी शुभ तिथियाँ निकल के आई हैं जब उन्हें अपना किसी महत्वपूर्ण कार्य का विचार करना चाहिए। इन शुभ तिथियों का निर्धारण मैंने किया है जब चंद्रमा आपका कर्क में होगा, कन्या में, धनु में, मकर में, मेष में या वृषभ में होगा तब चंद्रमा पॉजिटिव होगा। इस समय अगर आप कोई काम करने का विचार करते हैं तो उस काम के सही होने की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। आपके लिए वो शुभ तिथियाँ बता रही हूँ मैं, 1 व 4 जुलाई, 5 व 8 जुलाई, 9 व 15 जुलाई, 16 व 17 जुलाई, 18 व 25 जुलाई, 26 व 27 जुलाई, 28 व 31 जुलाई वो शुभ तिथियाँ हैं जिस दिन आप किसी महत्वपूर्ण काम करने का विचार बना सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको अशुभ तिथियाँ बता रही हूँ जब आपका चंद्रमा पॉजिटिव नहीं होगा, चंद्रमा चौथे घर का होगा, 8वें घर का या 12वें घर का, यानी या तो चंद्रमा तुला का होगा या कुंभ का होगा या मिथुन का होगा, तो हो सके तो इस दिन जो है आप किसी नए काम का विचार ना करें, कोई महत्वपूर्ण डिसीजन ना लें। यह शुभ तिथियाँ नोट करिए आप, 2 व 3 जुलाई, 10 व 11 जुलाई, 19 व 20 जुलाई, 21 व 29 जुलाई व 30 जुलाई आपके लिए अशुभ तिथियाँ हैं। इस प्रकार अगर हम देखें तो कर्क राशि के जातकों के लिए जुलाई का महीना काफ़ी अच्छा है, काम के संबंध में उत्तम स्थिति बनी हुई है, हेल्थ ओवरऑल सही रहेगी, बस गुस्से की मात्रा थोड़ी बढ़ी रहेगी, इसलिए आपस में वाद विवाद से बचें, क्योंकि सप्तमेश खुद वक्री होकर सप्तम भाव को दृष्टि दे रहे हैं तो पति पत्नी में सामंजस्य रहेगा, एक दूसरे को समझने की भी कोशिश करेंगे। ओवरऑल ये स्थिति ऐसी निकल के आई है जिसमें आपका दाम्पत्य जीवन भी सही है, आपकी हेल्थ भी सही है और काम में आपका मन भी लगेगा। इस प्रकार कर्क राशि के जातकों के लिए जुलाई का महीना काफ़ी हद तक सही रहेगा। इसके साथ ही दर्शकों, अपना वीडियो समाप्त करने से पहले मेरी आप सबसे प्रार्थना है कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें जिससे जब भी मैं अपनी वीडियो अपलोड करूँ उसके नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप मेरा वीडियो देख सकें। इसके साथ ही नमस्कार दर्शकों, जय माता दी।